उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर जिला इन दिनों सरहद पार से आ रही महिलाओं के लिए प्यार की राजधानी बन गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्यार की खातिर पहले सीमा हैदर पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा आई, वहीं अब बांग्लादेश के ढाका से सोनिया अख्तर नोएडा आई हैं। दरअसल नोएडा निवासी एक युवक के प्यार में बांग्लादेशी महिला सोनिया अपने एक साल के बेटे के साथ नोएडा आई है। बताया जा रहा है कि ये महिला युवक से पहले ही शादी कर चुकी है। आपको हम अब बताते हैं कि सोनिया अख्तर और सौरभ तिवारी के बीच मुलाकात कब और कैसे हुई। बताया जा रहा है कि सौरभ तिवारी ने साल 2017 से लेकर 2021 के बीच बांग्लादेश में रहकर कल्टी मैक्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी की थी। दावा है कि इसी दौरान सौरभ ने बांग्लादेशी महिला सोनिया अख्तर से शादी की थी। वहीं सौरभ के बांग्लादेश से वापस भारत आने के बाद महिला भी अब अपने पति से यानी कि सौरभ से मिलने के लिए अपने एक साल के बच्चे के साथ भारत आई है। लेकिन सोनिया को क्या पता था कि उसे यहां आने के बाद धोखा मिलेगा। जब सोनिया भारत आई तो उसे पता चला कि युवक ने पहले ही किसी और से भारत में शादी कर ली थी। अब वो बांग्लादेशी महिला सोनिया अख्तर को साथ नहीं रखना चाहता। हालांकि सोनिया अख्तर पति सौरभ के साथ ही रहना चाहती है। बांग्लादेशी महिला ने फिलहाल महिला थाने में शिकायत दर्ज करवाई है जिसकी जाँच चल रही है। वहीं इस मामले में नोएडा के ADCP डॉक्टर राजीव दीक्षित का क्या कहना है, आइए जानते हैं। ढाका बांग्लादेश की मूल निवासी एक महिला ने कलेक्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर के महिला थाने में यह सूचना दिया कि अप्रैल 2021 में थाना सूरजपुर निवासी सौरभ राम तिवारी नाम के एक व्यक्ति ने बांग्लादेश में ही उसके साथ विवाह किया था और उसको छोड़कर वर्तमान में भारत आ गया है। उसने ये भी बताया कि सौरभ पूर्व से शादीशुदा था। बांग्लादेश में जनवरी 2017 से दिसंबर 2021 तक एक प्राइवेट एनर्जी कंपनी में वो कार्यरत था। महिला द्वारा अपने व एक वर्षीय बेटे का पासपोर्ट, वीजा व सिटीजनशिप कार्ड उपलब्ध कराया गया है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हुआ है कि मूलतः बांग्लादेश निवासी उक्त महिला के साथ स्थानीय निवासी सौरभ कांत तिवारी द्वारा बांग्लादेश में ही शादी की गई थी। फिर भी संपूर्ण प्रकरण की तह तक जाने के लिए जाँच ACP महिला सुरक्षा को सौंपी गई है। जांच से निकले निष्कर्षों के आधार पर यथोचित वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।